देखिए, इसकी वजह यह रही है पश्चिम विक्षोभ एक्टिव था, 26 तारीख से एक्टिव हुआ था और एक साइकिल सर्कुलेशन भी नॉर्थ एमपी के सेंटर पार्ट से बना हुआ था और एक इंडियन साइकिल सर्कुलेशन भी जो है आपके पाकिस्तान और राजस्थान के गाँव में बना हुआ था और एक ट्रफ लाइन भी इसका बनी हुई थी और इसके साथ अरब सागर मॉइस्चर आ रहा था, नमी आ रही थी। इसके वजह से जो है अधिकांश स्थल में पश्चिम मध्य प्रदेश में वर्षा दर्ज की गई है और बहुत जगह भारी वर्षा दर्ज की गई है। अगर हम वर्षा के आंकड़े देखें कहाँ पर जो अभी जो आए हैं तो अलीराजपुर में आपके 5 जगह भारी वर्षा दर्ज की गई है, बड़वानी में 9 जगह में और झाबुआ में 3 जगह में और खरगोन में 6 जगह में भारी वर्षा दर्ज की गई है। सबसे अधिक जो है झाबुआ में 110.3 मिनट वर्षा दर्ज की गई है। बाकी आपके इंदौर में 5 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई, भोपाल, रतलाम और नर्मदापुरम और शाजापुर यहाँ पर वर्षा दर्ज की गई है और पूरी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई, छिंदवाड़ा में 3 मिलीमीटर, सागर में 1 मिलीमीटर। तो ये जो अभी सिस्टम जो है अभी ये पश्चिम से पूर्वी तक मूव हो रहा है तो आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज पूरी मध्य प्रदेश में भी ये वर्षा का दौर जारी रहेगा और हल्की से मध्यम वर्षा कहीं भारी वर्षा होने की उम्मीद बनी हुई है। हाँ देखिए, अभी एक और 30 तारीख को एक और पश्चिम विक्षोभ आ रहा है तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसकी वजह से भी उत्तरी हवाएं तो आएंगी, कम आएंगी अभी, उसके बाद निकलने के बाद में जब उत्तरी हवाएं आएंगी तो ठंडी हवाएं आएंगी तो उस समय जो तापमान गिरने की उम्मीद बनी हुई है, तो न्यूनतम तापमान गिरेंगे तो ठंड बढ़ने की उम्मीद है।